दसवीं की छात्रा ने लिख डाली विकृत सामाजिक सोच पर किताब। आपको बता दे, आखिर ऐसा क्या है कि बच्चों की आत्महत्या की खबरें आम होती जा रही है? क्या किसी ने सोचा है कि छात्र नौजवान हर कोई थोड़ी थोड़ी बात पर जान देने के लिए क्यों आमादा हो जाते हैं? वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस भी आत्महत्या करने के कारणों का पता लगाने का प्रयास नहीं करती है। वहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल की महज 15 साल की दसवीं की छात्रा अंशिका ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में इन सभी मुद्दों को समेटते हुए एक किताब लिख डाली है। अपने 350 पन्नों की किताब द पेटेंट पोर्च में आत्महत्या के सामाजिक कारणों और प्रकारों पर विस्तार से अपनी बात रखी है। विकृत सोच रखने वाले समाज के लोगों को एक संदेश देने का प्रयास किया है। अंशिका कहती है कि सामान्यतः बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति नहीं होती है और कई बार संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु का कारण आत्महत्या मानकर समाज और व्यवस्था उसे स्वीकार लेता है, जबकि गहराई से पड़ताल करने पर यह मालूम चलता है कि आत्महत्या नहीं हुआ, हत्या भी थी। एक प्रेरणा मिली हमको न्यूज़पेपर में सुसाइड से रिलेटेड कई खबर आ रहे थे कोविड के दौरान, जैसे कई आए थे न्यूज, तो उसी से इंस्पिरेशन मिली। इस किताब का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेंट्रल थीम है कि क्या बच्चे सुसाइड कर सकते हैं और अगर करते हैं तो क्यों कर सकते हैं, इसी पे आइडिया डिस्कशन। कितने दिन लगे ये किताब लिखने? हमको 1 से 1.5 साल लग गया उसको लिखने में। किस कहानी पर आधारित है? क्या ये किस कहानी किस पर आधारित है? किसी का नाम आपने जिक्र किया है? क्या आधारित है ये कहानी है अमूली और चार्मी की। अमूली इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट है और चार्मी उसकी दोस्त होती है, और अमूली जानने की कोशिश करती है कि चार्मी की जिंदगी में क्या गलत चल रहा है, और वही जानती है कि चार्मी ने आत्महत्या नहीं किया, ये उस राज से पर्दा उठाने के लिए उनका प्रयास है। इस लॉकडाउन में कितने मतलब इस लॉकडाउन में लिख गई? इस लॉकडाउन में कंप्लीट हुआ है, लिखना पहले से स्टार्ट। कौन से स्कूल की छात्रा है? दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद। कौन सी क्लास में? हम क्लास 10th का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे इस किताब के बारे में? कि आप इस किताब को पढ़िए और फीडबैक दीजिए। हम इसको अपना एक अकम्प्लिशमेंट नहीं समझते हैं, ये जस्ट एक प्रैक्टिस है मेरे लिए। गलतियाँ क्रिटिसिज्म मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अपना परिचय दे दी। मेरा नाम है अंशिका प्रसाद, हम 16 ईयर्स के हैं और हम दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद की स्टूडेंट हैं, और हम अभी अपने क्लास 10th बोर्ड्स का वेट रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे फादर एक एडवोकेट हैं। तो माता जी? मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ।